अस्सलाम वालेकुम गाइस, फातिमा कुकिंग में फिर से आपका एक बार वेलकम है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन चीज़ हरा कबाब। तो चलिए देखते हैं उसकी रेसिपी। यहाँ मैंने आधा किलो चिकन का कीमा ले लिया है, जिसको मैंने धो के अच्छे से ड्राई कर लिया है, और पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई कीमा होना चाहिए। और साथ में मैंने लिया हुआ है एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्रेश मैंने लिया है हरा धनिया, जिसको मैंने धो के चॉप कर लिया है। और साथ में मैंने लिया हुआ है कांदा भाजी, इसको भी मैंने धो के चॉप कर लिया है। और थोड़ा सा कट किया हुआ लेना है पुदीना। यहाँ मैंने कुछ ब्रेड की स्लाइस ले ली है, जैसे कि मैंने यहाँ 10 से 12 मैंने ब्रेड ले लिया है। और साथ में थोड़ा सा लिया है हरा धनिया, हरी मिर्चें, और लहसुन के मैंने 5 से 6 कली ले ली है। और साथ में मैंने लिया हुआ है थोड़ा पालक। आप देख रहे हो कितना पालक है, ये पालक को मैंने अच्छे से धो के फ्रेश कर लिया है। यहाँ मैंने सबसे पहले मिक्सी का जार लेना है, उसमें सबसे पहले हम ऐड कर देंगे लहसुन, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और जो ब्रेड है उसको तोड़ के इसी में डाल देंगे पूरा। ब्रेड ऐड करने के बाद उसमें अब जाएगा पालक। ये थोड़ा ब्रेड और पालक ज़्यादा है, तो आप इसको 2 बार मिक्सी में पीस के निकाल लीजिए। यहाँ मैं 2 बार इसको पीसूँगी, और ढक्कन लगा के इसको इस तरह से धर धरा पीस लेना है। आप चाहे तो पालक को एकदम बारीक बारीक चॉप करके भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि आप ब्रेड, हरी मिर्ची, लहसुन, हरा धनिया पीस लीजिए, और उसके बाद इसमें जो पालक है वो उसको बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड कर दीजिए। और साथ में थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें 1 छोटा चम्मच तिल ले लेना है, वाइट तिल। अब जाएगा इसमें आधा छोटे से भी कम हम डाल देंगे इसमें अजवाइन, और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से लेना है, तो मैं एकदम थोड़ा सा नमक, जैसे कि 2 से 3 चुटकी में नमक ऐड करूंगी इसमें। और यहाँ सारी चीज़ों को अब हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको साइड में कर लेंगे। और यहाँ जो हमने जो चिकन का कीमा ले लिया है उसको हम सबसे पहले एक बड़े बाउल में डाल देंगे, क्योंकि मिक्स करने में हम आसानी हो, तो यहाँ बड़े बाउल में हम सबसे पहले हम कीमे के ऊपर डाल देंगे हम 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे हम इसमें धनिया पाउडर। आधा छोटे से भी कम हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। आधा छोटा चम्मच डाल देंगे हम इसमें गरम मसाला पाउडर। आधा छोटा चम्मच डाल देंगे हम इसमें जीरा पाउडर। और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे हम व्हाइट मिर्च पाउडर। आपके पास व्हाइट मिर्च पाउडर नहीं है तो आप इसके बदले में काली मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। और साथ में डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच डाल दिया है इसमें। और साथ में नमक टेस्ट के हिसाब से लेना है, और नमक थोड़ा सा कम ही आप इसमें ऐड कीजिए, क्योंकि हम इसमें चीज़ डालने वाले हैं तो, और बटर भी ऐड करने वाले हैं, तो नमक ज़्यादा ना हो जाए, तो आप लिमिट से इसमें नमक ऐड कीजिए। और साथ में मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच ले लिया है बटर, जिसको मैंने मेल्ट करके इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा डाल दिया ऊपर से फ्रेश धनिया, पुदीना, और जो कांदा भाजी हमने जो रखी थी वो भी इसमें ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ ऐड करने के बाद इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ जिसके मैंने इसको मिक्स कर लिया है, अब इसको 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे रेस्ट होने के लिए। यहाँ मैंने 3 अंडे ले लिए। 3 अंडे को पहले सबसे पहले एक बाउल में तोड़ लेंगे। तोड़ के डालने के बाद इसको अच्छे से फेंट लेंगे। फिर यहाँ जिसके मैंने अंडा अच्छे से फेंट लिया, और मैंने इसमें अंडे में मैंने कोई नमक वमक नहीं ऐड किया हुआ है। और यहाँ 15 से 20 मिनट तक के लिए मैंने चिकन को फ्रिज में रख दिया था, चिकन कीमे को। अब हाथ में इस तरह से हल्का सा तेल लगा लेंगे, और थोड़ा सा जो कीमे का जो बैटर है वो इस तरह से हाथ में ले लेंगे। लेने के बाद इसको आप गोल भी, अब बॉल शेप भी बना सकते हैं। मैं इसको कबाब जैसा होता है वो शेप में इसको दूंगी, और क्योंकि इसमें चीज़ मैंने लंबे लंबे क्यूब में मैंने कट करके रखी हुई है, तो इस तरह से मैं इसको शेप दे दूंगी। और चीज़ इसमें ऐड करने के बाद इसके बाद अच्छे से चीज़ को कवर कर लेना है चिकन के कीमे से। ये देखिए इस तरह से तैयार करना है। ये देखिए यहाँ मैंने एक तैयार कर ली हूँ, और सेम इसी तरह से और भी जो चिकन कीमा है चीज़ डाल के इसी तरह से तैयार करना है। यहाँ जिसके मैंने सारे मैंने कबाब जो रेडी कर लिया है,
अब यहाँ अंडे और जो हमने ब्रेड पालक जो पीस के रखी हुई थी, सबसे पहले हम वो जो चिकन का जो कीमा का है कबाब, उसको हम अंडे में डीप करेंगे। इस तरह से डीप करने के बाद और जो हमने ब्रेड और पालक को जो हमने पीस के रखा हुआ था, ये ऊपर से अच्छे से इसको कोट कर लेना है कुछ इस तरह से। दूसरे हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस कर करके आपको इसको अच्छे से कोट कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से सारे हम कबाब इसी तरह से कोट कर लेंगे और उसको फिर हम 15-20 मिनट तक के लिए फिर इसको रख देंगे थोड़ा सेट होने के लिए। 15-20 मिनट हो गया, उसके बाद मैंने पैन में तेल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तेल जैसी गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है और हमने जो ऐसे बना के रखा है कबाब वो एक एक करके ऐड करेंगे। कबाब यहाँ 9-10 मेरे कबाब रेडी हो गए बनके, तो मैं यहाँ इसमें 5 अभी तलूँगी, 5 में इसको सेकेंड राउंड में फ्राई करूँगी। तो इस तरह से आपको गैस के फ्लेम को स्लो रख के ही इसको फिर फ्राई करना है कि अंदर तक अच्छे से पक जाए, नहीं तो ऊपर से पूरा अच्छे से पक जाएगा और अंदर पूरा कच्चा रह जाएगा। तो आपको ये बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा गैस को स्लो करके आप इसको स्लो फ्लेम पे ही इसको अच्छे से डीप फ्राई कीजिए। यहाँ जो और भी कबाब है वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसको फ्राई होने में कम से कम 7-8 मिनट लगता है। यहाँ जैसे कि मैंने सारे कबाब ऐड कर दिया है, अब इसको थोड़ा सा हम इसको फ्राई होने देंगे। उसके बाद फिर जैसे कि एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो हम इसको फिर टर्न करेंगे। यहाँ जैसे कि एक साइड से ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसको सारे कबाब को टर्न कर लेंगे एक एक करके। ये बहुत ही मज़े का बना हुआ है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिए। यहाँ जैसे कि मैंने सारे कबाब को टर्न कर लिया है एक एक करके, अब दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से स्लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई होने देंगे कि अंदर तक के अच्छे से फ्राई हो जाए और पक जाए चिकन है जो। यहाँ से इसके 7-8 मिनट हो चुका है और ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब यहाँ अब इसको हम निकाल देंगे तेल से बाहर। ये देखिए यहाँ मैंने इसको तेल से बाहर निकाल दिया, लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी और यम्मी। तो आप लोग ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिए और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ सारे कबाब को निकाल लेना है और जो हमारे जो और कबाब जो बचे हुए सेम इसी तरह से उसको भी फ्राई करके हम निकाल लेंगे। यहाँ आप मेरी रेसिपी ज़रूर 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 आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर लाइक करना ना भूलें। यहाँ जिसके ये भी मैंने कबाब तेल में फ्राई करके निकाल लिया है, अब ये हमारा गर्मा गर्म चिकन चीज़ हरा कबाब रेडी खाने के लिए। यहाँ जैसे कि एक पीस हम इसमें से तोड़ लेंगे और ये देखिए चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। यहाँ गर्मा गर्म चिकन चीज़ कबाब आप इसको मेयोनीज के साथ या टमाटर केचप के साथ या तो ग्रीन चटनी के साथ आप इसको सर्व कीजिए और ये आप रेसिपी ज़रूर अफ्तार में ऐड कीजिए। और आपको मेरी कोई भी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले रेसिपी के साथ, जब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।